आपके साथ पूजा, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के हाईटेक व सर्व सुविधा से लैस छत्रीपुरा थाने का लोकार्पण करने पहुंचे आईजी हरिनारायण चारे मिश्र, सांसद शंकर लालवानी, एसपी महेश चंद्र सहित पुलिस के जवान सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल इंदौर के छत्रीपुरा थाना हाईटेक बनाया गया है। जिसको स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया। इंदौर का पहला हाईटेक छत्रीपुरा थाना, जिसका उद्घाटन आज हाईजी हरिनारायण चौरे मिश्र, सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। वहीं डीआईजी ने बताया कि थाना स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया है, जो कि सर्व सुविधाओं से लैस है। वहीं थाने में पुलिस कर्मियों के लिए जिम की सुविधा भी दी गई है, रुकने के लिए रूम भी बनवाए गए हैं, ताकि थाने में जितने भी जवान हैं चुस्त और फिट रह सके और किसी भी आपातकालीन स्थिति में जा सके। इस मौके पर पुलिस जवान के अलावा क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। थाने का किया जा रहा है। सर, पुलिस लगातार हाईटेक होती जा रही है, जिससे हाईटेक के तहत बदलाव होता है। छत्रीपुरा एक काफी संवेदनशील क्षेत्र है और इस पूरे इलाके में क्षेत्र इस थाने की जरूरत काफ़ी समय से महसूस की जा रही थी। थाना तो बहुत पहले से है, लेकिन इसका जो भवन था काफ़ी जेंसेंट हो चुका था। इसलिए नए परिवेश में स्मार्ट सिटी योजना के तहत आज इस नए भवन का लोकार्पण हो रहा है, जिसे मुख्य तौर पर सारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और सारे अधिकारियों की उपस्थिति में इस थाने का आज लोकार्पण किया जा रहा है। मुख्य तौर पर इस थाने में वो आधुनिक सुविधाएं भी सभी हैं, साथ ही साथ जवानों के रुकने और उनके ऊपर की तरफ जो ऊपरी तल है उसमें जो एक्सरसाइज करने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो बिल्कुल फिट और चुस्त दुरुस्त रह करके अपनी ड्यूटी को निभा सकें। मुख्य शहर के जो नए थाने बन रहे हैं, उन नए थानों में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है कि थाने जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल उसमें रह सके, ऊपरी तल में कुछ जवान रह सके, ताकि कभी भी तात्कालिक स्थिति में उनको बुलाया जा सके, ड्यूटी दिया जा सके, और साथ ही साथ वो चुस्त दुरुस्त रहें, इसलिए उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ख्याल रहे। उसमें कुछ जिम के उपकरण भी हों, उसमें कुछ उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो बेहतर उपकरण हो सकते हैं उनको भी उसमें रखा जाए। इन सारे आवश्यकताओं के मद्देनज़र तो उनकी व्यावसायिक ज़रूरतों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाए। इन दोनों अपेक्षाओं को ध्यान रखते हुए नए थानों का निर्माण किया जा रहा है। सर, नए थाने की ओर शुरुआत करने जा रहे हैं, कई बड़े बड़े थाने प्रस्ताव भेजे हैं। आने वाले दिनों में अगर हम देखेंगे तो राव, द्वारिकापुरी और साथ ही साथ बड़गौदा जो देहात का थाना है, और इसके साथ साथ कई ट्रैफिक के कई थाने इसमें नए योजना के तहत निर्माणाधीन है, जिसमें आने वाले दिनों में फिर साथ साथ चंद्रावतीगंज, गांधीनगर जैसे थाने भी आएंगे। इन थानों के आने से जो थाने जेंटिफाइड हो चुके हैं या फिर वो थाने जिनका अभी तक भवन निर्मित नहीं हुआ है, जो दो तीन सालों में नए तरीके पर बन तो गए हैं, लेकिन अभी उनका नया भवन नहीं आया है। अभी देखेंगे तो हाल के दिनों में अगर सबसे पहले हम देखें तो पंडरीनाथ, सराफा और हीरानगर, इन थानों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। गांधीनगर और चंद्रावतीगंज का भी चल रहा है, और इन सारे जो निर्माणाधीन थाने हैं इनको भी अगले कुछ समय में निश्चित तौर पर लोकार्पित किया जाएगा, और जिससे और बेहतर ढंग से जो थानों की प्रक्रिया है, थानों की जो कार्यप्रणाली है, उसको और गति मिलेगी। वो थाने भी इसमें निर्माणाधीन, इसमें योजनाधीन है, आने वाले दिनों में इनका भी नया भवन निर्मित होगा। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।